आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में स्टडी की थी और उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। दिस इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इस की डिस्कवरी किसके सर जाती है? ये एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसका नाम है ई गोल्ड स्टीन। इस बंदे ने इन 1886 इसने क्या किया, इसने परफॉर्म किया द सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट? द एक्सपेरिमेंट विच वॉज परफॉर्म्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। जो कैथोड रेज के लिए या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए हमने एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था डिस्चार्ज ट्यूब वाला, सेम एक्सपेरिमेंट इस बंदे ने जो है वो परफॉर्म किया। बट ही मेड अ चेंजिंग। उसमें चेंजिंग इसने क्या की, चेंजिंग इस शख्स ने उस डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में ये की कि ही मेड द कैथोड, जो कैथोड थी वो उसको उसने परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का क्या मतलब है? परफोरेटेड का मतलब है सुराखदार। उसके अंदर डिफरेंट छोटे छोटे उसने सुराख कर दिए। अगर मैं कहता हूँ जी ये एक प्लेट है तो ये परफोरेटेड नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर मैं छोटे छोटे सुराख कर दूँ तो आपके पास ये अब एक परफोरेटेड प्लेट होगी, और अगर इसको मैं नेगेटिव चार्ज देना शुरू कर दूँ, कैथोड बना दूँ, तो दिस विल बी अ परफोरेटेड कैथोड। तो जो चेंजिंग इस शख्स ने इस एक्सपेरिमेंट में की वो ये थी कि ही मेड द कैथोड परफोरेटेड, और उसके नतीजे में उसने डिस्कवर किया कि सिर्फ कैथोड रेज जो है वो नहीं निकलती, कुछ और रेज भी निकल रही होती हैं। तो उसके एक्सपेरिमेंट को हम जो है वो फिर से स्टडी करते हैं। हियर इज द एक्सपेरिमेंट। इसको अगर आप देखें तो सेम एक्सपेरिमेंट है, उसी तरीके से आपके पास गैस या वेपर या एयर एट वेरी लो प्रेशर आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मेंटेन की हुई है। दिस इज द परफोरेटेड कैथोड, ये नेगेटिव चार्ज कैथोड का है, और ये जो वाइट वाइट आपको सुराख नजर आ रहे हैं दिस मेक्स इट परफोरेटेड कैथोड। ये आपने इसको हाई वोल्टेज जनरेटर दे दिया, उसी तरीके से वैक्यूम पंप के साथ अट्रैक्ट कर दिया, अटैच कर दिया है सो दैट लो प्रेशर कैन बी मेंटेन्ड। लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमें जो है इसके अंदर वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर एनोड है और ये जो थी आपके पास पूरी बॉडी है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ये एक्सपेरिमेंट जब हम परफॉर्म करते थे नॉर्मली तो हम ये देखते थे कि कैथोड की तरफ से कैथोड रेज निकलती थी और एनोड की तरफ जाती थी, लेकिन जब उसने परफोरेटेड जोन सी है कैथोड इस्तेमाल की तो उसने ये चीज़ नोटिस की कि अदर रेज आर आल्सो प्रोड्यूस्ड, के कुछ और रेज भी जो हैं वो पैदा होती हैं। और वो उसको कैसे पता लगा? वो उसको इस तरीके से पता लगा कि जब एनोड के, ये एनोड है, एनोड के ऑपोजिट वॉल के ऊपर, दिस वन, इस वॉल के ऊपर उसको ग्लो मिला, ग्लो ऑन द वॉल ऑपोजिट टू द एनोड। अब हुआ क्या बेसिकली कि एनोड की तरफ से भी एक रेज आ रही थी, एनोड ने रेज को एमिट किया और वो रेज परफोरेटेड
परफोरेटेड कैथोड के पास पहुंची और उसके सुराखों में से पास होके बैक पे जो सी वॉल है उसके ऊपर उन्होंने ग्लो प्रोड्यूस कर दिया। अगर ये परफोरेटेड नहीं होता तो आपके पास इसमें से ये रेज जो सी पॉजिटिव रेज थी जो एनोड से निकल रही थी ये इसमें से पास होके पीछे ना जा सकती। जब आपने परफोरेटेड प्लेट यूज की तो उन सुराखों के अंदर से ये रेज गुजरी और उसकी बैक वाली वॉल के ऊपर एनोड के ऑपोजिट वाली वॉल के ऊपर आपके पास ग्लो जोन सा है वो मिलना शुरू हो गया। अब इन रेज को जो एनोड से निकल रही थी इनको एनोड रेज नहीं कहा जाता, इनका नाम नॉर्मली इज पॉजिटिव रेज। और पॉजिटिव रेज इनको क्यों कहा जाता है उसकी वजह यही है कि दे हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर होता है इस वजह से इनको पॉजिटिव रेज जो है वो कहा जाता है। एक और नाम जो इनको दिया जाता है दैट इज कैनाल रेज। अब कैनाल रेज का क्या मतलब है? कैनाल रेज का मतलब ये है कि ये चूंकि डिफरेंट सुराखों में से गुजरती थी तो जैसे एक नहर एक लिमिटेड एरिया में से गुजरती है उसी नाम के ऊपर इसका नाम रखा है कि एज दीज रेज पास थ्रू द कैनाल्स ऑफ द परफोरेशंस ऑफ कैथोड तो इस वजह से इनको हम कैनाल कैनाल रेज भी जो है वो कहते हैं। तो इनके दो नाम हैं कैनाल रेज एंड द पॉजिटिव रेज। तो ये वो एक्सपेरिमेंट था, सिर्फ चेंजिंग ये थी कि जब परफोरेटेड कैथोड यूज किया तो उसने ऑपोजिट साइड पे भी ग्लो देखा और इससे पता चला कि कैथोड रेज के अलावा भी कोई और रेज जो सी हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। अब हम इनकी रीजन देखते हैं कि ये पैदा किस तरह से होती हैं, रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की रीजन ऑफ प्रोडक्शन जो सी है वो आपके पास क्या है? सिंपल सी बात है, अगर आप अपना पिछला टॉपिक रिकॉल करें तो हमने ये बात की थी कि कैथोड रेज आर आयनाइजिंग इन नेचर या दे कैन आयनाइज अ गैस, ये बात हमने कल पढ़ी थी और उसकी डिटेल हमने इस तरीके से देखी थी कि अगर एक ये मेरे पास एटम है कोई भी गैस का जिसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो यहाँ से आने वाली जो कैथोड रेज है वो जब इसके साथ टकराएगी तो इसका इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर कर देगी, इट विल नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम ऑफ गैस। ये अगर एक गैस का एटम था तो आपकी कैथोड रेज ने उसको आयनाइज कर दिया, जो चीज़ पीछे बचेगी वो सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज होगा उस गैस के ऊपर +1। ये कैथोड रेज जब आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब में पैदा हुई उन्होंने अंदर मौजूद गैस को आयनाइज कर दिया, उसको उसके इलेक्ट्रॉन से महरूम कर दिया, पीछे बच गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपके कैथोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑटोमेटिकली कैथोड की तरफ मूव करेगा। चूंकि ये वाले अब एनोड टू कैथोड इसकी मूवमेंट है, एनोड टू कैथोड पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूवमेंट है दैट मेक्स अस नेम देम पॉजिटिव रेज। तो इसकी वजह ये है कि जो कैथोड रेज पास करती हैं हाई स्पीड में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो अपने पास मौजूद आयनाइज गैस को आयनाइज कर देती हैं, उनके आयनाइज करने की वजह से नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पीछे आपके पास पॉजिटिव आयन बचता है। ये पॉजिटिव आयंस फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव कैथोड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देता है। इसको आप इस तरीके से देखें कि आपके पास एक एम जो है ये गैस का मॉलिक्यूल था न्यूट्रल जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद है, इसके साथ आके टकराएगा एक
इलेक्ट्रॉन ये क्या है बेसिकली, ये कैथोड रे है। कल हमने पढ़ा था कि कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैथोड रेज थी, ये एक गैस का एटम था। ये कैथोड रे आके डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के एटम के साथ जब टकराएगी तो उसका इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगी, तो ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, एक तो ये वाला और एक इसका। पीछे आपके पास क्या बचेगा, पीछे आपके पास बचेगा एम प्लस। ये तो अब इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बाहर हो गए, और पीछे जो आपके पास बची ये पॉजिटिव आयन बचा। ये जैसे ही पॉजिटिव आयन होगा इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा और क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज पॉजिटिव रेज। तो ये रीजन ऑफ प्रोडक्शन है आपके पास पॉजिटिव रेज की, कि ये किस तरीके से पैदा होते हैं। तो यहाँ तक हमने जो चीज़ देखी वो ये थी कि एक्सपेरिमेंट में एक चेंजिंग करने की वजह से इनकी डिस्कवरी वजूद में आई, जो कि गोल्डस्टीन ने की 1886 में, और वो चेंजिंग ये थी कि उसने परफोरेटेड कैथोड यूज़ की, तो पता चला कि इसके ऑपोजिट वॉल पे भी ग्लो जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और उसकी वजह ये थी कि आयनाइज कर दिया कैथोड रे ने गैस के एटम को, और पीछे आपके पास जो पॉजिटिव आयन बचा वो पॉजिटिव रे की शक्ल में ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द कैथोड पॉजिटिव रेज। अब हम जो है इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस। अब पॉजिटिव रेस की सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास उसी तरह है, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद होता है। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला, इसके लिए उन्होंने सेम वही दो जो उनसे एक्सपेरिमेंट थे वो परफॉर्म किए। नंबर वन वाज द मैग्नेटिक फील्ड और नंबर टू वाज दी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने कैथोड रे का नेगेटिव चार्ज जो है इन दो एक्सपेरिमेंट की मदद से फाइंड आउट किया था, इसी तरह हमने पॉजिटिव रेज का पॉजिटिव चार्ज भी इन्हीं दो एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट किया है, कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो अपने सीधे पाथ पे जाने की बजाय बेंड हो जाएगी, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव कैथोड की तरफ जो है आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो जाएंगे। तो दिस शोज के पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दी पॉजिटिव रेस। नंबर टू प्रॉपर्टी इज अगेन दैट लाइट वाली प्रॉपर्टी, जैसे कि कैथोड रेज में हमने पढ़ी थी कि दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास जो पॉजिटिव रेज हैं ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी, और इनकी जो डायरेक्शन है वो कैथोड रेज के ऑपोजिट होगी, डायरेक्शन इनकी हमेशा विल बी ओपोजिट टू द कैथोड रेज। जो भी आपकी कैथोड रेज जिस डायरेक्शन में मूव करेंगी, आपकी जो सी पॉजिटिव रेज हैं वो उसके ओपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, बट इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड इज दे प्रोड्यूस फ्लैशेज ऑन जिंक सल्फाइड की प्लेट। ये बेसिकली जिंक सल्फाइड एक ऐसा मटेरियल है जो कि आपके पास फोटोग्राफिक मटेरियल है। अब तो हमारे पास तमाम के तमाम डिजिटल कैमराज और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अगर आप आज से थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपके पास एक, जब आप तस्वीर खिंचाते थे तो आपको एक रोल उसके अंदर डालना पड़ता था, उस रोल के अंदर एक रील जिसको हम कहते थे वो होती थी इस तरीके की, जिसको हम आम जुबान में इस किस्म की एक लंबी सी रील होती थी जिसको हम कहते थे दीज आर द नेगेटिव्स। जब आप तस्वीर खींचते थे तो इसके ऊपर नेगेटिव के ऊपर एक इमेज आ जाता था, और फिर जब आप इनको प्रिंट आउट करवाते थे तो आपके पास कार्ड की शक्ल में आपकी जो सी तस्वीर है वो आ जाती थी।
तो ये जो फोटोग्राफिक प्लेट होती थी, इसकी अगर आप प्रिंटिंग देखें जाके, या ये नेगेटिव से जो प्रिंटिंग का अमल होता है उनके दरमियान फोटोग्राफिक प्लेट्स यूज होती हैं, वो एक बारीक जिंक सल्फाइड की बनी हुई प्लेट्स होती हैं जिनके ऊपर इमेज आपका स्टोर हो जाता है। तो ये जिंक सल्फाइड प्लेट आर वेरी सेंसिटिव बेसिकली। तो इसके ऊपर जब आपकी पॉजिटिव रेज आके स्ट्राइक करती हैं तो दे प्रोड्यूस अ फ्लैश। फ्लैश का मतलब है कि वो कोई ना कोई निशान उसके ऊपर छोड़ देती हैं। मतलब क्या है कि दे आर सेंसिटिव टू फोटोग्राफिक प्लेट। तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी पॉजिटिव रेज की। नंबर फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि इसकी ई ओवर एम वैल्यू। ई ओवर एम वैल्यू जो थी है पॉजिटिव रेज की इज ऑलवेज स्मॉलर, इज ऑलवेज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स। ई ओवर एम वैल्यू होती क्या है? चार्ज टू मास रेशो। अगर आप रिकॉल करें कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को, तो कैथोड रे में हमने ये देखा था कि ई ओवर एम वैल्यू जो है वो सेम रहती है इररिस्पेक्टिव इस बात के बगैर, कंसीडर किए बगैर कि हम कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं। आप कोई भी गैस, कोई भी चीज़ यूज़ करते थे, इलेक्ट्रॉन की ई ओवर एम वैल्यू सेम रहती थी। लेकिन पॉजिटिव के केस में ऐसा, पॉजिटिव रेज के केस में ऐसा नहीं है। ई ओवर एम वैल्यू जो है वो चेंज होगी विथ डिफरेंट गैसेस। आप जब डिफरेंट मटेरियल यूज करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो ई ओवर एम वैल्यू जो होती है वो आपके पास चेंज होना शुरू हो जाएगी। और फिर वो आपको उसका रिलेशन भी बता देता है कि हैवियर द गैस स्मॉलर इज द ई ओवर एम। ये तो सिंपल सी बात है कि आपके पास वैल्यू क्या है, ई ओवर एम। तो अगर मैथ नीचे एक वैल्यू है एक्स जो कि आपकी है, जिसको हम मैथ टू चार्ज रेशियो कहते हैं, उसका फॉर्मूला अगर ये है तो एम डिनोमिनेटर में है, एम अगर ज़्यादा करूँगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो जितनी गैस हैवी होगी, जितना मैस हैवी होने का मतलब है कि उसका मैस ज़्यादा है, उतनी उसकी एक्स वैल्यू या ओवर ई ओवर एम पूरी वैल्यू का आंसर जो है वो छोटा आएगा। और जितनी वैल्यू जो थी है, जितनी गैस आपकी लाइटर होगी, जितना मास उसका कम होगा, ई ओवर एम का वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो ये रिलेशन बताता है आपके पास कि डिफरेंट गैसेस का जो हम यूज़ करते हैं उनकी ई ओवर एम वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब वो कहता है कि जब डिफरेंट गैसेस ट्राई की तो किसी का कुछ और किसी का कुछ, लेकिन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की जो ई ओवर एम वैल्यू आई वो आई मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम आई? अब अगर आप हाइड्रोजन को स्टडी करें तो हाइड्रोजन इज वन वन। हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू वन, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू जीरो। ये सारी बात पुरानी है। अब क्या हुआ, जब आपने हाइड्रोजन को यूज़ किया, यहाँ से कैथोड रे आई, इसको नॉकआउट किया, उठा के बाहर फेंका, पीछे आपके पास इसका हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव आयन बच गया। ये पॉजिटिव आयन बेसिकली क्या है, अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें तो नाइट्रोजन न्यूट्रॉन तो था ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक था जो के बाहर निकल गया है। तो पीछे जो हम एच पॉजिटिव है, इसको हम कहते हैं कि पीछे एच पॉजिटिव में क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है। ये एक केस है, सपोज कर लें दिस इज ए केस है। ये सबसे मिनिमम हो सकता है मैस के, आपने जब किसी चीज को आयनाइज किया तो पीछे सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। ठीक है,
अब हम कोई और एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हीलियम 2 और 4, इसके इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इट इज़ लाइक दिस. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2. और प्रोटॉन कितने हैं? वो भी 2. और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन भी 2. अब इसी इस गैस को अगर मैंने डिस्चार्ज ट्यूब में इस्तेमाल किया तो मेरे पास आप कैथोड रे आई, इसको स्ट्राइक किया, इसका इलेक्ट्रॉन उठा के बाहर किया, पीछे मेरे पास क्या बचा? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और हीलियम के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज. पीछे मेरे पास चीज़ें क्या बची? इलेक्ट्रॉन बचा 1, प्रोटॉन बचे 2 और न्यूट्रॉन भी 2, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थे. तो ओवरऑल मास इसका हो गया 5. ये हमारा बी केस था. अब जैसे जैसे मैं हीलियम से आगे जाता जाऊं, कोई और गैसेस यूज़ करता जाऊं, ये जो आपके पास ओवरऑल एम है ये इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता. तो मिनिमम जो था वो हमने ऊपर ए केस में स्टडी किया, जो कि हाइड्रोजन गैस का था, जिसके अंदर सिर्फ आपके पास एंड पे एक प्रोटॉन बचा था और उसका मास जो था वो 1 हो गया. अब एम इज़ इक्वल टू 1 का जो मतलब ये है कि कोई भी गैस यूज़ कर लें, ई ओवर एम जब लेंगे तो वो मैक्सिमम किस केस में आएगी? इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो उसने कहा जी कि जब तमाम गैसें यूज़ करने के बाद उसने हाइड्रोजन गैस यूज़ की तो इसकी ई ओवर एम वैल्यू मैक्सिमम थी एज कंपेयर्ड टू एनी अदर गैस. अब ये गैस के हाइड्रोजन गैस की ई ओवर एम वैल्यू के मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव आयन मौजूद है और इस पार्टिकल को, जो एक ही पार्टिकल मौजूद है, इसको हमने प्रोटॉन का नाम दिया. प्रोटॉन वैसे तो पॉजिटिव रेस कहते रहे, लेकिन जब प्रोटॉन की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई सबसे पहले रदरफोर्ड ने. और यहाँ से हमारे पास ये प्रोटॉन तक हम पहुँचे पॉजिटिव रेस से कि आपके पास पॉजिटिव रेस में प्रोटॉन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं. तो दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थ्रू दी हाइड्रोजन गैसेस के ई ओवर एम वैल्यू ने हमें बताया कि डिफरेंट गैसेस की डिफरेंट थी और हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम थी, तो क्योंकि इसके अंदर एक पार्टिकल था और उस पार्टिकल को प्रोटॉन का नाम दिया गया, जिसको रदरफोर्ड ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया. अब वो आखिर में एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताता है जो कि नॉर्मली हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ली जाती है, विच इज़ द मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ प्रोटॉन इज डैश टाइम्स हायर देन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन से आपका जो प्रोटॉन है वो कितने गुना भारी है? तो दैट आंसर इज 1836 टाइम्स. तो ये फिगर आपको याद होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप में या एमसीक्यूज वगैरह में, अक्सर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है. तो दिस वाज द टॉपिक जो कि आज हमने कवर किया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड देयर प्रॉपर्टीज़.